यहाँ पे जितने भी मजाहिब के लोग रहते हैं उनको इजाजत है कि वो अपने टेम्पल्स पे जा सकते हैं, वो अपने तरीके से रह सकते हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है कि ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए कि अहमदीस जो है उनको जब भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मान लिया, हम तो हर किसी को काफिर बताते हैं, आपस में भी हम एक दूसरे को, जो मुस्लिम आपस में हैं, हम तो एक दूसरे को भी मुस्लिम नहीं मानते। हर कोई जो है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ है, मुझे तो सारे फिरकों के नाम भी नहीं आते। इसका मतलब है कि मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ सिलसिले में। लेकिन ये जरूर है कि हम एक दूसरे को अपने तौर पर काफिर जरूर समझते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदीस जो है वो नॉन मुस्लिम है। चले, मान लिया, उन्होंने कहा, हमने मान लिया। लेकिन भुट्टो ने ये तो नहीं कहा था कि अहमदीज इंसान ही नहीं है, हमने उनको मुसलमान तो किया, हमने तो उनको इंसान समझना भी छोड़ दिया। आज भी मैं न्यूज देख रही थी ट्विटर के ऊपर कि एक 60+ उनकी उम्र थी उन साहब की, और उनको मार दिया गया, गोली मार दी गई, सिर्फ इस वजह से कि वो अहमदी थे, सिर्फ इस वजह से कि वो उस चीज में बिलीव नहीं करते थे जिसपे आप करते हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? इतने सालों में ये कौन सा पाकिस्तान हमने बनाया है? उसके बाद पारसी कहाँ गए? अच्छा जी, हिंदुओं के लिए तो हमारे पास कहानी मौजूद है। हमें कोई पूछे, हम कह देते हैं जी हिंदू तो बहुत थे हमारे पास, साथ आए थे हमारे, लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया और आधे से ज्यादा उठ के बांग्लादेश चले गए। ये झूठ हम हर जगह बोलते हैं, अपने साथ भी बोलते हैं, और अपने साथ जो हमारे साथ लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया के हों, बाहर के मीडिया के हों, पाकिस्तान के मीडिया के हों, ये झूठ हम पूरे धड़ल्ले के साथ उनको भी बोल देते हैं कि जी वो हिंदू जो थे ना वो तो जी वहां चले गए बांग्लादेश। चले, मान लिया, हिंदू बांग्लादेश चले गए, तो फिर मुझे बताइए पारसी कहाँ गए? कराची में पारसी कंपाउंड क्यों खाली है? क्यों पारसी या कोई और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो आके अपनी बात क्यों नहीं कर पाते? और यहाँ पे जो थोड़े बहुत हिंदू रह गए हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनका मंदिर नहीं बनने दे रहे? चले, मत बनने दे मंदिर, लेकिन आप लोगों ने और क्या किया उनके साथ? पेशावर में और कई जगहों पे उनको आपने शमशान घाट तक नहीं दिया है कि अगर उनके किसी की डेथ हो जाए तो वो अपनी रसूमात तक नहीं कर सकते, उसके लिए उनको कई कई मील दूर जाना पड़ता है, और उसकी आपको कोई शर्म, कोई गैरत यहाँ पे नहीं है? क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं? हिंदुओं का तो बहुत इंडियन मीडिया ने उठाया कि जी हिंदुओं की लड़कियां उठा के ले जाते हैं, साल में 1000 लड़कियां उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा देते हैं, उनकी शादियां करवा देते हैं। मियां मिट्टू जैसे आदमी के साथ हमारे पॉलिटिशियंस तस्वीरें खिंचाते हैं, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उधर हम कहते हैं नहीं जी वो बच्चियां तो इस्लाम से इंप्रेस हो जाती हैं इसलिए वो ऐसा करती हैं। तो कोई लड़का इंप्रेस क्यों नहीं होता? कोई बड़ी उम्र की औरत इंप्रेस क्यों नहीं होती? कोई बड़ी उम्र का आदमी इंप्रेस क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं अपने मजहब बदलते? सिर्फ छोटी उम्र की बच्चियां क्यों बदलती हैं? चले, हिंदू भी गए साइड पे, अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस के साथ भी यही कुछ होता है, क्रिश्चियंस की भी लड़कियां उठा के ले जाता है, ले जाई जाती हैं, और उनका भी इसी तरीके से मजहब जो है बदलवा के उनकी भी शादियां करा दी जाती हैं किसी भी मुस्लिम के साथ। उसमें भी हमारा वही स्टेटमेंट है, हम तो बहुत हसीन लोग हैं ना, हमें तो बस देखते ही हर मजहब के लोगों को हमसे प्यार हो जाता है और बस वो हमसे शादियां करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान मर्द घूम रहे हैं सबके सब जो है वो टॉम क्रूज है, कि उनको देखते ही ना सारी नॉन मुस्लिम लड़कियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। शर्म हमें आती नहीं, गैरत का हमें पता नहीं कि वो क्या चीज होती है। हाँ, दूसरे के मजहब में हम जो मर्जी कर लें। एक साहब बैठे थे ट्विटर के ऊपर और वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई उनके मैं क्या कहना चाहिए, कोई देवता थे या इस तरह की कोई, उनकी पिक्चर फाड़ रहे थे और बहुत फखर से दिखाया उन्होंने, बहुत चौड़े होकर उन्होंने बताया कि जी ये देखेंगे मैंने उनकी, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू रिलीजन में, उनकी मैं इस तरह से तस्वीरें फाड़ रहा हूँ बैठ के। अगर ये चीज कोई इस्लाम से रिलेटेड कर दे तो इनका फौरन खून खौल जाएगा, ये तो उसके सर की कीमत लगा देंगे और कहेंगे जाओ मारो और जाके तुम्हें जो है जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें जो है 70-72 पता नहीं कितनी हूरें मिल जाएंगी। उस वक्त क्या हो जाता है जब दूसरे के लिए जो चीज सोचते हैं वही अपने लिए सोचे ना, या अपने लिए जो समझते हैं कि सही है वही दूसरे के लिए सोचे। इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम ने तो कभी नहीं कहा
कि जी किसी दूसरे मजहब की इज्जत ना करो, किसी दूसरे मजहब को जीने की इजाजत ना दो या उनको तंग करो, एक तरफ तो बहुत बड़े बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी हालत खुद देख लें। इतने सालों में जो ये अभी आप 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं, मुझे 10 कंट्रीज के नाम बता दें, इस्लामिक कंट्री बता दें, छोड़ दें यूरोपियंस को, छोड़ दें किसी और को, काफिरों को तो हम वैसे ही पसंद नहीं करते ना, मुझे बताइए कौन सी वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को जरा सी भी घास डालती हो, 2 टके की इज्जत नहीं है हमारी पूरी दुनिया में, लेकिन हम चौड़े होते रहेंगे जी ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ब्रदर इस्लामिक कंट्री। और ब्रदर इस्लामिक कंट्री क्या होता है, वो तो आपको पूछते तक नहीं है, आपकी उनके सामने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। और इस पे आप खुद पहुंचे हैं इन हालात पे, यानी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, चले एटम बम भी बना लिया, घास भी खा ली, अब क्या करें। अब आए हैं जी इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के हाथ से कटोरा ही नहीं छूटता, वो सारे टाइम कभी इससे मांग रहे, कभी उससे मांग रहे, कभी उस कंट्री से, कभी उसका। अभी सऊदी अरब ने ऐसा करारा हाथ पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा है कि लाओ हमारे पैसे वापस करो, और हम उनको क्या कह रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि जी सऊदी अरब बहुत परेशान था, सऊदी अरब के पास पैसे नहीं थे, यानी सऊदी अरब हमसे भी ज्यादा परेशान था, सऊदी अरब के पास हमारे से भी कम पैसे थे। हाँ हमें तो सुन के ही, मुझे तो मतलब मैं तो आंखों में आंसू आ गए, और मैं तो कोई 10-12 घंटे रोती रही हूँ सऊदी अरब के लिए। तो उनको इतनी उनकी हालत खराब हो गई सऊदी अरब की कि सऊदी अरब ने कहा कि जी आप हमारे पैसे दे दें, नहीं तो हम तो मतलब भूखे मर जाएंगे। इन्होंने फटाफट चाइना जो हमारा नया माई बाप है उससे पैसे पकड़े और आगे ले जाके सऊदियों के सामने रख दिए कि जी ये ले। नहीं, अपने करतूत हमने सही नहीं करने, अपने आमने हालत को नहीं समझना, हमने यही करते रहना। क्यों, किस लिए, इसलिए कि यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो हाई लेवल के, चाहे वो मिनिस्टर पहले थे, चाहे वो मिनिस्टर अभी है, चाहे वो पार्लियामेंट में पहले थे या अभी है, हर कोई डुअल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है, ये उठाएंगे अपना बैग और पूरे पाकिस्तान को दबो के ये निकल जाएंगे। यहाँ पे रह कौन जाएगा, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जिनको कोई बाहर की दुनिया में जाना कोई आसान नहीं है, जो के वर्किंग क्लास है। हम अगर काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, हम अगर काम करेंगे तो हम 2 वक्त की रोटी खाएंगे। हम वो वर्किंग क्लास है जिसको ये जलीलो ख्वार करके और ये लोगों ने निकल जाना पतली गली से, कर्जे पे कर्जा लेते रहते हैं, हर तरफ से इन्होंने टेंशन मचाई हुई है, हर जगह इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। हाँ इंडिया के साथ हमारा झगड़ा, इंडिया इंडिया के साथ हमने कभी बात नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ चाइना हमारा दोस्त है, चाहे चाइना हमारा बुरा हाल कर दे, हमें कुछ भी कर दे। और इस्लामिक कंट्रीज ये जो हर वक्त कहते रहते हैं कि मीटिंग बुलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और जी सारी इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, मैं आज चैलेंज कर रही हूँ, मुझे बताइए कोई 10 इस्लामिक कंट्रीज बता दीजिए जो आपके साथ खड़ी हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और आप अपने लोगों को, गवर्नमेंट अपने लोगों को बेवकूफ बनाए चली जा रही है, बनाए चली जा रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब 14 अगस्त मनाया जा रहा है, एक दिन सुबह से शुरू हो जाएंगे, 21 तोपों की सलामी हो रही होगी, पटाखे चल रहे होंगे, वजीर आजम आएंगे जिनको सिवाय तकरीरें करने के कुछ आता नहीं है, उन्होंने आके एक जबरदस्त स्पीच देनी है जिससे हमारे इधर उधर आगे पीछे सारे जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज है वो कांप जाएंगे, और वो कहेंगे ओ पाकिस्तान ने तो बहुत हमें डरा दिया है, और ये कहेंगे जी कश्मीर हम ले लेंगे, अभी नक्शा हमने बनाया है उसमें कश्मीर हमारे पास है, और इसी तरह की और चीजें और बेवकूफियां करते रहेंगे। तो हमने इतने सालों में क्या देखा, क्या हमें मिला है और कहाँ हम जा रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारे जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, उनके साथ मुकाबला करना है तो उनके साथ एजुकेशन में मुकाबला करें, इकोनॉमी में मुकाबला करें, किसी काबिलियत वाली चीज में मुकाबला करें, अपने लोगों को, जो लोग आपके सड़क पे पड़े हुए हैं, जो लोग आपके जॉबलेस हैं, उनको आगे लेकर आए, आप उनको बताएं कि जी हमने अपने मुल्क को क्या से क्या बना दिया, हमारे लोगों को कहीं बाहर जाने की, कहीं रोने पीटने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनको यहाँ पे जॉब्स मिल रही है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलानी है, हमने सिर्फ और सिर्फ एहसान उल्लाह एहसान टाइप के लोग जो है उनको हमने छोड़ देना है, और किसी ने हमसे पूछना भी नहीं है कि भाई वो कहाँ गया जिसने आपके ही कंट्री के आपके ही बच्चों को मार डाला,
जिसके लिए पूरी दुनिया रोई थी, उस आदमी को आपने जाने दिया। वो आदमी जाके ऑडियो ऑडियो टेप रिलीज कर रहे हैं और आप बैठे हुए, आप बोल रहे नहीं जी वो तो फेक न्यूज है। हाँ मान लिया फेक है, चले मान लिया, मैंने मैंने क्या, सब पूरी दुनिया मान गई आपकी बात कि वो टेप फेक है और वो गलत कह रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आपने उसको छोड़ा क्यों, वो कहाँ है, वो किधर है, क्या वो जाके, उसको इतनी इतनी परमिशन है कि वो जाके जो है कोई भी वो वीडियो रिलीज कर दे और वो कुछ भी आपको धमकियां लगाए और आप आगे से सफाइयां देते रहे कि नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया कि हमारे जर्नलिस्ट और हमारे कोई इस तरह की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है उनको मारा, हमने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन असल बात यह है कि ठीक है आपने उसको नहीं कहा और ऐसा कुछ नहीं है, मगर बात सिर्फ ये है कि उसको छोड़ा क्यों। और अब जब इतने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे कारनामे हैं आपके, आपकी गवर्नमेंट के, पिछली गवर्नमेंट्स के, उससे पिछली गवर्नमेंट के, उससे पिछली गवर्नमेंट के, जो आप बता सके कि जी हमने इतने सालों में ये अचीव किया है, हमने क्या अचीव किया है इतने सालों में, मुझे ये बता दे। सुई तक हम बना नहीं सकते, सुई बनाने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि हम एक सुई तक प्रोड्यूस कर सके पाकिस्तान में, तो मुझे बताइए हमने क्या बनाया है और किस बात का जश्न हम मनाएं, किस बात के ऊपर जो 14 अगस्त आप मना रहे हैं, जो मुल्क आपको इतनी मुश्किलों से, इतने लोगों को जो है, इतने लोगों ने अपनी जो है शहादत दी, इतने लोगों को मुश्किल हुई यहाँ वहां से यहाँ और यहाँ से वहां शिफ्ट होने में, उनको आपने क्या दिया बदले में, ये करप्ट हुकूमत, ये इस तरह की हुकूमत है। जो आदर्शन कावस जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, वो कहते थे कि जी पाकिस्तान का तो वही हाल है कि जी चोर जाता है और डाकू आता है यहाँ की गवर्नमेंट में। तो मेरा ख्याल है कावस जी बिल्कुल सही कहते थे कि वो उनकी बात 100% बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। अभी देखते जाइए, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितना घोटाला था और इसमें कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई थी। चले करप्शन भी कर ले भाई, आप लोगों के तो खून में पॉलिटिशियंस के, हमारे यहाँ तो चोरी करना, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों को भी तो कुछ प्रोवाइड करें, लोगों को जॉब्स, लोगों की खत्म हो गई है। आपने तो कहा था कि हम तो जॉब्स लेकर आएंगे, वो पता नहीं कितने करोड़ के कितने लाख घर आप बनाने वाले थे, वो भी नहीं है, वो भी आपने नहीं बनाए। मीडिया पे हर तरह की पाबंदी आपने लगा रखी है, मीडिया ये नहीं बोल सकता, मीडिया वो नहीं बोल सकता, मीडिया ये नहीं कह सकता, मीडिया पे ये नहीं आ सकता, मीडिया के कमर्शियल्स बंद कर देंगे, मीडिया को ये कर देंगे, मीडिया को वो कर देंगे। अब आपका आपकी नजर सोशल मीडिया के ऊपर है, अब आप चाह रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया पे भी बात ना कर सके, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है, सारी दुनिया को आप बंद नहीं कर सकते। हाँ जितना आपने लोगों को, जितना पाकिस्तान को लोगों की नजरों में गिराना था वो आप गिरा चुके, अब इससे ज्यादा कुछ होता हुआ नजर आ रहा नहीं है। फिर भी सबको बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की, जो लोग मना रहे हैं जरूर मनाएं, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। इस मुल्क ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या इस मुल्क को आपने कुछ दिया है? आज आप जब बाहर जाते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, आपके पासपोर्ट की कितनी इज्जत है आपको अच्छे से पता है। आप लोग यहाँ पे लोगों को किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का लॉ का बोल देते हैं कि जी ब्लास्फेमी लॉ का आप इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये चीज पाकिस्तान बनाते वक्त तो किसी ने नहीं सोची कैसा होगा, फिर यहाँ क्यों हो रहा है, क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कौन लोग इसके पीछे हैं, यहाँ पे जो माइनॉरिटी रहती है वो और कितने दिन चुप रहेगी, वो कब तक अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, वो कब तक देखते रहेंगे कि उनकी बेटियों को ठा के ले जाया जा रहा है, वो कब तक ये देखेंगे कि उनको शमशान घाट तक नहीं दिया जा रहा। एक सिंगल मंदिर जो बन रहा है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर ऐसे जाहिलों की तरह जो आप लोग चिल्लाए हैं, उससे तो आपको मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले होंगे दुनिया में आप लोगों को। आप लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपने आप को चेक करें, इसलिए कि जब आप किसी एक के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उसके बाद तीन चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करें, अपने आप को ठीक करें। वैसे तो कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो इतने ढीट हैं कि वो उल्टा मुझे ही गालियां निकालेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि आज जश्न मनाने से पहले ये सोचिए कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया और आपने पाकिस्तान को आज कहाँ खड़ा कर दिया है कि हम ना तो हम FATF से निकल पा रहे हैं, ना हम कर्जों से निकल पा रहे हैं, ना हमारा दुनिया में इंप्रेशन ठीक हो रहा है, ना ही एहसान उल्ला एहसान जैसे लोगों को छोड़ के आप लोगों ने और, जैसे कहना चाहिए ना, और ज्यादा जल्दी पे तेल का काम कर दिया है।
तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वही यही पॉलिटिशियन, इनका क्या है, ये तो अपने बैग उठाएंगे और ये निकल जाएंगे। हर एक के पैसे, हर एक की औलादे, हर एक की फैमिली तो बाहर बैठी हुई है, यहाँ पे रह जाएंगे सिर्फ इनके वोटर्स और इनके चमचे, जो इन इनके कहने के ऊपर जो है उस पर सोशल मीडिया पे भी जो है लोगों को गालियां निकालते हैं और इनके कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि उनको यूज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।